नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे यूपी रोडवेज भर्ती 2024 आपके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, किसी भी टाइप की वैकेंसी कोई भी आती है, इसकी डिटेल पाने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपको हर वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे, इसके लिए आप लोग अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक पदों के बारे में जानकारी मिल सके। आज एक बढ़िया खबर है आपके लिए, ड्राइवर पदों पर यहाँ पर भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए सिर्फ महज योग्यता 8वीं पास चाहिए। अगर आप 8वीं पास है तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। आयु सीमा की बात करेंगे, अगर आप 23.5 साल से 58 साल के बीच में हैं तो आपके लिए बिल्कुल बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूँ, जिसमें बढ़िया पैसा है, 22 दिन का काम है ना, बढ़िया जॉब है आपके लिए, घर वालों को सुविधा भी मिलेगी यहाँ पर। तो अगर आप एलिजिबल है तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो किसी भी तरीके की वैकेंसी की अपडेट के लिए आप लोग अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। तो यूपी रोडवेज में प्रयागराज रीजन से इसमें आपकी 98 ड्राइवरों की भर्ती निकली है। अभी प्रयागराज रीजन की बात करेंगे तो सिर्फ यहीं पर 98 आई हैं, फिर अलग अलग रीजन में अलग अलग वैकेंसी आएंगी, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको जो है बताता रहूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, यूपी रोडवेज प्रयागराज रीजन चालकों की भर्ती शुरू करने जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार ग्रामीण अंचलों में कैंप भी लगाए जाएंगे, ताकि मौके पर ही अभ्यर्थियों का टेस्ट लिया जा सके। मतलब कैंप लगेंगे, टेस्ट दो, सिलेक्शन दो। अभी 98 पदों पर भर्ती किए जाने की योजना है, इसके बाद पदों की संख्या देखो बढ़ाई जाएगी। देखो तो अलग अलग रीजन पर पद आपके अलग अलग बढ़ेंगे। आपके अभी मैं बात कर रहा हूँ यूपी रोडवेज प्रयागराज रीजन के तहत संविदा पर चालकों की भर्ती होगी। इसमें पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। महिला व पुरुष चालकों की भर्ती प्रयागराज, मंझनपुर, प्रतापगढ़, लालगंज, मिर्जापुर, बादशाहपुर, इन सभी जगह पर होगी। संविदा चालक पर भर्ती होने के लिए अभ्यर्थी की योग्यता 8वीं पास होना चाहिए, मतलब 8वीं पास, और 2 साल का आपके पास पुराना हैवी लाइसेंस अनिवार्य है। मतलब आप 8वीं पास हैं और आपके पास 2 साल पुराना हैवी लाइसेंस अनिवार्य है। तो क्षेत्रीय प्रबंधक एम के त्रिवेदी ने बताया कि अभ्यर्थी की ऊंचाई न्यूनतम 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए। आपकी ऊंचाई भी है, मैक्सिमम आपकी ऊंचाई 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए। और आपकी आयु सीमा की बात करेंगे, 23.5 साल, 23 साल 6 महीने से 58 साल तक। इसमें आपकी न्यूनतम आयु जो है आपकी, ये आपकी 23.5 साल से लेकर 58 साल निर्धारित की गई है। चालक के भर्ती होने पर प्रति किलोमीटर आपको 1.89 रुपए की दर से भुगतान किए, तो अच्छी बात है। अगर आप बस चला रहे मान लीजिए तो प्रत्येक किलोमीटर का आपको अलग से जो है 1.89 रुपए का भुगतान किया जाएगा। बाकी फंड अलग, रात्रि भत्ता अलग, दुर्घटना बीमा की सुविधा अलग, और 22 दिन की ड्यूटी रहेगी, सिर्फ 22 दिन की ड्यूटी रहेगी। 5,000 किलोमीटर अगर आप पूरा कर लोगे तो इसके लिए आपको भैया 3,000 रुपए अलग से मिलेंगे। तो 3,000 रुपए ये हो गए। अगर आपने 5,000 किलोमीटर पूरे करें तो इसके लिए आपको मोटिवेशन के तौर पे प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप अपना काम जो है मन लगा के इसमें करोगे, ठीक है ना। उत्कृष्ट चालकों को प्रति माह 19,593 रुपए, जो भी हमारे उत्कृष्ट चालक होंगे इनकी सैलरी बनेगी 19,593। खाली से बढ़िया है, 19,000 रुपए जेब में आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है। और उत्तम योजना के तहत आपको इसमें 16,593 रुपए तक का पारिश्रमिक दिया जाएगा, आपकी मेहनत मजदूरी का आपको रुपया मिलेगा। और परिवार वालों को फायदा है इसमें, क्या आपके परिवार को फ्री यात्रा पास भी प्रदान किया जाएगा, यानी अगर आपके परिवार वाले कहीं जाते हैं तो उनको फ्री पास सुविधा भी आपको दी जाएगी। तो इतना सब कुछ आपके लिए हो रहा है, और ये सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ प्रयागराज रीजन की है। इसमें आपका बादशाहपुर, पट्टी, लालगंज में कैंप लग रहा है 19 जून, 10 जून को, फूलपुर, जारी और सरायकल में 11 जून को, हंडिया, कोराब, मंझनपुर में 12 जून को, विंध्याचल, मेजा रोड में कैंप लग रहा 13 जून को। इसके अलावा कुंडा में भी 11 और 12 जून को कैंप लगेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया भी आगे जरूरत पड़ेगी तो पदों की संख्या बढ़ाएंगे, और अलग अलग रीजन पर अगर देखते हैं तो फिर आपको मैं बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा वीडियो के माध्यम से। ओके, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की। अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चल सके। और किसी भी तरीके की वैकेंसी की जानकारी के लिए आप अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अहम जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।